प्रणाम नमस्कार, आप देख रहे हैं इस वक्त लोका अर्पण और मैं अंकित गैरोला। जब भी बोला बेबाक बोला और आज भी कुछ बोलने आया हूँ और साथ ही कुछ दिखाने आया हूँ आपको। हमारा उत्तराखंड जिसे हम देवभूमि कहते थे, अब शायद उसे देवभूमि नहीं, अब हमें कहना पड़ेगा कि ये क्राइम की भूमि बन चुकी है। हर वक्त एक नया नया मामला हमारे उत्तराखंड में सामने आ रहा है और सबका केंद्र बना हुआ है ऋषिकेश। कभी यहाँ पे देखने को मिलता है कोई भारी व्यक्ति आता है और एक पेट्रोल पंप के किसी कर्मचारी को पीट कर चला जाता है। फिर हमें सुनने में आता है कि कोई व्यक्ति पिस्टल निकालकर सीधा हवाई फायरिंग कर देता है और कुछ ऐसा ही मामला ऋषिकेश के घुमाने वाले से सामने आ रहा है। जी हाँ, इस वक्त मैं ऋषिकेश के घुमाने वाले में मौजूद हूँ। शुक्रवार का वो दिन था जब इस वारदात को अंजाम दिया गया था, मगर पूरी खबर जानने से पहले जरा इस फुटेज में नजर डाली किस तरीके से जबरन अंदर घुसता है और वो पिस्टल की आवाज भी जरूर सुनिएगा किस तरीके से वो पिस्टल की आवाज बजती है और फिर कनपट्टी पे तान देते हैं। पूरी खबर आपने देखी होगी किस तरीके से अंदर घुसता है, क्या कुछ करता है, उन सभी चीजों के लिए हम बात करेंगे यहाँ पर। स्वयं यहाँ पे होटल के जो संचालक वो हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे जानते हैं कि क्या कुछ कल मामला हुआ था शुक्रवार के दिन और किस तरीके से वो अंदर घुसा था, क्या कुछ हुआ था। नमस्कार सर। सर नमस्कार, मेरा नाम शुभम नौटियाल है और मैं यहाँ का संचालक हूँ। तो उस दिन की बात यह है कि मैं यहाँ पर, मेरे पास टेबल बैठी हुई थी, मेरे केदारनाथ के गेस्ट आ रखे थे, उनके सारे रूम बुक थे। तो वो लोग आए, उन्होंने खाने की डिमांड करी है तो मैं उनको खाना खिला रहा था, उनकी थाली वगैरह तैयार हो रही थी जिसमें काफ़ी टाइम लगता है। तो मैं उनके बिल वगैरह बना रहा था यहाँ पर बैठ के, तो ऑर्डर वगैरह लिख रहा था। तब तक वो वहाँ से आया, जिसका नाम अनुराग। कहाँ से आया? बाहर से आया, कार से उतरा, बाहर से आया। यहाँ पर आके हाय हेलो हुई, फिर उसने बोला कुछ खाने के लिए मिलेगा। तो मैंने बोला खाने के लिए भाई अभी तो टाइम लगेगा, मैंने बोला तभी भी मैं अंदर जाके पूछ लेता हूँ। मैं अपने शेफ लोगों के पास गया, मैंने बोला कितना टाइम लग जाएगा, इन्होंने बोला कम से कम 20 से 25 मिनट लगेंगे। तो मैंने बाहर आके उसे बोला कि कम से कम आधा घंटा लगेगा। तो फिर उसने मुझे ये बोला कि भाई तो कौन है तुम्हारा शेफ, इतना टाइम थोड़ी लगता है। तो बोला मैं खुद जाके बनाऊँ, मैंने बोला तू जाएगा भाई अंदर है। फिर बोला कुछ चखने चुकने के लिए दे दो, वो नशे की हालत में था। अच्छा, नशे की हालत में पहले से ही था? नशे की हालत में पूरा था, वरना कोई ये बात नहीं बोलता कि कौन है तुम्हारा शेफ, मैं खुद जाके बनाओ। तो वो नशे की हालत में था, तो उसने बोला कुछ चखने चुकने के लिए दे दे। मैंने बोला चलो ठीक है, तुम कार पे बैठो, मैं वहाँ भिजवाता हूँ। तो मैं अंदर चले गया इनको बोलने की बनवाओ, मैं भी इनकी हेल्प करने लगे क्योंकि रश बहुत था। तो मैं जब तक तैयार कर रहा था तब तक वो फिर से किचन के गेट पे आ गया। किचन के गेट खुला हुआ ही था क्योंकि बहुत ज़्यादा रश था, अंदर बाहर जाना पड़ रहा था। तो वो किचन के, उसने आवाज़ दी कि बाहर आइए। मैं आया, बाहर पे आया तो उसने मुझे बोला कि मैं यहाँ पर बैठ रहा हूँ, अब यहाँ पर बैठ रहा हूँ पीने के लिए, कि किस धर्म में कि यहाँ पर बैठ रहा हूँ मैं अंदर ही किचन के अंदर ना, यहाँ पर टेबल में जहाँ पर फैमिली वाले बैठे। जैसा, अच्छा, जहाँ पे पहले से कोई बैठा हुआ था उसके बगल में। तो मैंने बोला भाई यहाँ पर तो मैं अलाउ करता नहीं क्योंकि मेरे पास यहाँ पर फैमिली वाले बैठे हुए हैं। तो मैंने बोला यहाँ पर तो अलाउ करता नहीं, मैं कार में भिजवाता हूँ। तो उसने बोला क्यों, क्या हो गया, क्या हम पैसे नहीं दे रहे हैं क्या? तो मैंने बोला पैसे वाली बात नहीं है, तो यहाँ पर से उठ। फिर थोड़ा हमारे बीच में गर्मा गर्मी हुई, वाद विवाद हुआ, तब मैंने उसे भगा दिया। वो मुझे बोलते हुए गया कि कार में पिस्टल पड़ी हुई है, ठोक दूँ। कार में पिस्टल पड़ी है, ठोक दूँगा, ठोक दूंगा। मैंने बोला जो करना है। फिर मैं अंदर जाके काम करने लग गया। उसके 5 मिनट या 2-3 मिनट बाद वो आया, सीधे उसने लोड करी जिसकी आवाज आ रही है, उसने सीधे मेरी कनपट्टी में रख दी कि ठोकू, और माँ बहन की गाली देने लग गया। अच्छा, माँ बहन की गाली देने के बावजूद जब हमारे चाचा जी हैं वो आए बीच में, तो उनको भी गाली देने लग गया। उम्र का कोई लिहाज नहीं, इवन उनको भी जानता है वो, लेकिन उम्र का कोई लिहाज नहीं है। उनको भी जानता, मतलब आप भी जानते उन्हें? हाँ, लोकली वो एक्चुअली हमारे स्कूल से हमारा जूनियर रहा है। अच्छा, हाँ, जूनियर साथ में रहे। क्या नाम बताया आपने? उसका नाम अनुराग डिमरी। डिमरी मतलब हमारे उत्तराखंडी हुए, और उत्तराखंडी जब उत्तराखंडी अपने भाई गाँव दबाड़ी हो,
तब हम बचाने कोशिश कर ला पड़ उत्तराखंड ये थे हमारे उत्तराखंड राज्य बनाए बोलना वो मात्र शक्ति हमारी दीदी बोली हमारे बड़ी बड़ान जो अपन शहादत दिनी है उत्तराखंड बनाने में एक राज्य बनाने में तो इसलिए बनाए कि चल भाई बोल तो अपन भी भाई गोल दबे दे भाई। फिर क्या हुआ कि उसने सीधे लोड कर दी और चाचा जी के साथ भी बदतमीजी करने लग गया तो मैं भी उसके साथ थोड़ा आगे आ गया। मैंने बोला ठोक हिम्मत ठोक तब तक चाचा जी ने क्या बीच बचाओ में चाकू उठा दिया उसके चाकू रख दिया बोला कि अगर तू अगर यहाँ से चलाएगा तो मैं भी ये चला दूंगा इससे पहले मेरा चाकू चल जाएगा। तब वो वहां से भाग गया वापस आ गया है हम भी यहाँ तक आए वापस आए हमने बोला निकल निकल यहाँ से। तब वो जब निकल गया उसके बाद वो फिर हम 15-20 मिनट बाद जितना हमें संभलने में टाइम लगा उसके बाद हम चौकी गए। चौकी जाके हमने उनको लिखित में दिया उन्होंने उस टाइम पे उन्होंने तुरंत वो करी कार्रवाई करी उस टाइम पे वो दस्त में भी निकले चीता भी निकली वो कार में भी निकले हैं पूरा हम पूरा ऋषिकेश चौकी ऋषिकेश कोतावली में भी गए वहाँ भी उन्होंने इन्फॉर्म किया फिर हम पूरा घूमते हुए आए वो कहीं नहीं दिखे उसके बाद हम वापस आ गए। तब उन्होंने मुझे सुबह बुलाया कल सुबह मैं गया तो जब तक मैं गया तो वहाँ मॉर्निंग में किसी और की ड्यूटी जो नाइट वाले थे वो नहीं थे तो उन कोई फ़ोन नहीं उठा रहा था क्या पता सो रखा होगा नाइट वाला। तो हम लोग क्या करा कि हम वो पहले बोलने लगे कि तुमने रात वालों से क्यों नहीं करवाया। मैंने बोला जब उन्होंने सुबह बुलाया तो वो तो ऐसे ही करते हैं कि सुबह वालों पर डाल देते हैं बात। तब उन्होंने बोला कि चलो ठीक है तुम एप्लीकेशन लिखो फिर से। मैंने बोला एप्लीकेशन तो लिख रही है तो उन्होंने बोला इसे नहीं अच्छे तरीके से लिखो क्योंकि उनके पास किसी का फोन आया था उन्हीं के साथ वाले में से तब तक फोन भी उठा दिया था उन्होंने कि भाई यार क्या है उनका वो करते पुलिस चौकी में ही थे। तो फिर उन्होंने लिखवाना स्टार्ट किया थोड़ा उसमें काटपीट भी हुई क्योंकि वो बोलते जा रहे थे मैं लिखता जा रहा था। फिर उसके बाद जब काटपीट हो गई उन्होंने बोला ये तो नहीं चलेगी जाओ इसे प्रिंट करा के लिखे आओ। जब हम प्रिंट करा के आए तो उनको प्रिंट करा के हमने दे दिया उन्होंने बोला चलो आप जाओ वो हम इस पर कार्रवाई करेंगे रिसीविंग हम आपको दे देंगे। तो रिसीविंग दे देंगे तब वो लड़का जब तक हम यहाँ आए वो लड़का जो अनुराग डिमरी वो यहाँ पर आ रखा था। अच्छा जब तक आप पुलिस स्टेशन से सुबह का वक्त सुबह के वक्त जब तक आप आए वापस से तब तक वो यहाँ पर खड़ा हो रखा था। हाँ यहाँ पर खड़ा रखा था मुझे कॉल किया कि क्या हुआ भाई मेरा फोन उठाने का मन नहीं था इतना बड़ा केस होने के बाद कॉल फोन उठा था वो मुझे बोलने लगे यार भाई ऐसा थोड़ी होता है मैं तो नशे में था। अरे नशे में था तो इतना कौन नशा करता है ये बताओ कि तुम्हें बिल्कुल भी याद नहीं उम्र का लिहाज नहीं है दोस्ती यारी का लिहाज नहीं है तुम सीधे पिस्टल निकाल दोगे। बोला मुझे तो कुछ भी याद नहीं है कि क्या हुआ था। अच्छा मुझे कुछ भी याद नहीं है क्या हुआ था मतलब इतना नशा आप कर देते हैं कि आपको ये पता नहीं चलता है कि आप कल रात में फिर एक घंटे डेढ़ घंटे पहले क्या कुछ करके निकले हो। इसका मतलब अगर आप कल के दिन में फिर से नशे में आएंगे तो आप अपने उसी पिस्टल से किसी का सर फाड़ देंगे उसके बाद बोलेंगे मुझे तो याद ही नहीं है। मित्र पुलिस कहा जाता है उत्तराखंड की पुलिस को कि भाई आप मित्र पुलिस है ये कैसी मित्र पुलिस है। थोड़े दिन पहले एक और हमने ऋषिकेश कोतवाली की आपको खबर दिखाई थी किस तरीके से सुरेंद्र सिंह नेगी यहाँ पे पूरी रात बैठे हुए थे और तब भी उनकी FIR नहीं लिखी जा रही थी वो बात करना चाह रहे थे उनसे बात नहीं की जा रही थी FIR के नाम पर सीधा टाल मटोली की जा रही थी। और यहाँ पर भी कुछ ऐसे ही मामला सामने आ रहे हैं कि भाई क्या दिक्कत आती है एक FIR लिखने में और एक जनता को आपको इसीलिए बनाए आप इसीलिए बने होंगे प्रशासन इसीलिए होता है ताकि जो आम जनता है उसको परेशानी ना हो वो परेशान ना हो उसकी परेशानी को सुलझाने का काम आपका। कल के दिन पे वो जो डिमरी है लड़का वो अगर कुछ काम और कर देता है किसी और लड़के के साथ है किसी और होटल में तो फिर उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी। सर इसके बाद क्या कुछ हुआ? सर उसके बाद क्या हुआ कि हम ऋषिकेश कोतवाली गए वहाँ हमने कंप्लेंट करी तो उन्होंने रिसीविंग दे दी उन्होंने बोला कि अभी हमारे पास काम का लोड ज़्यादा है हम शाम को FIR करके आपको कॉल कर देंगे। तो उसके बाद हम वापस आ गए 3-4 बजे हम यहाँ वापस आ गए तो उसके बाद हम सब अपने काम पे लग गए। और फिर मुझे शाम को 7 बजे करीबन LIO से फ़ोन आया है कि उन्होंने बोला कि आपके उन्होंने पूरा मामला पूछा उन्होंने बोला आपकी FIR दर्ज होगी। दर्ज शुक्रवार का दिन था जिस दिन ये काम हुआ था और आज इतवार है 2 दिन बीच में पूरे हो चुके हैं। इन 2 दिनों में एक बहुत ही छोटा सा मामला था ऐसा नहीं है बहुत जल्दी इस चीज में कार्यवाही की जा सकती थी। अब तक वो लड़का कहाँ है क्या नहीं है कुछ भी नहीं कह सकते। और उत्तराखंड में सबसे बड़ी बात शराब के जो ठेके खुलने की जो तादादें बढ़ती जा रही है ऐसे हो रहे हैं कि जैसे बारिश हुई पेड़ नीचे कोई बीज गिरा था और वो उग गया 50 मीटर दूर पे यहाँ पे एक ठेका खुल रहा था सर आचार संहिता चल रही है इस वजह से बंद कर रखा है और आचार